हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट लाया हूं, आईसीआईसी बैंक शेयर लेटेस्ट न्यूज स्टॉक टू बाय नाउ। सैटरडे के दिन देखा था आईसीआईसी बैंक ने अपने क्वार्टर टू के नंबर्स डिक्लेयर किए, बेहतरीन नंबर्स आए थे, जिसका रिएक्शन आज हमने देखा। ओपनिंग में स्टॉक गैप अप ओपनिंग हुआ था और उसके बाद करीबन कह सकते हैं इंट्राडे रैली देखे तो करीबन 17% की इंट्राडे रैली इसने की थी। 867 का इसने हाई किया था आज इंट्राडे हाई, और वहां से स्टॉक कंसोलिडेट होते होते 850 के आसपास कंसोलिडेट हुआ और क्लोजिंग किया है करीबन 840 आसपास। बहुत ही बेहतरीन कह सकते हैं रैली हुआ है स्टॉक में, और आगे भी रैली कंटिन्यू होगा क्योंकि काफी सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने स्टॉक को अपग्रेड किया है, इसके टारगेट्स को रिवाइज किया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में सबसे पहले रिजल्ट्स पे नजर डालेंगे, साथ ही में फंडामेंटल टेक्निकल पार्ट भी देखेंगे, और अभी भी मौका बनता है कि नहीं स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, और अगर मौका बन रहा है तो कौन से लेवल पे बन रहा है, वो सभी इस वीडियो में आप देखेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तब जाके स्टॉक का इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक करना ताकि दिन में दो बार कुछ ना कुछ अच्छी लर्निंग्स मिले जिससे आपका पोर्टफोलियो और भी प्रॉफिटेबल हो सके। वीडियो की शुरुआत में नए सब्सक्राइबर्स को अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड पर्सन हूं सिंस 2007, एसोसिएटेड विद वन ऑफ द टॉप मोस्ट बुकिंग फर्म्स इन इंडिया, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, म्यूचुअल फंड मैनेजर, एसआईपी मैनेजर, एडवाइजरी प्रोडक्ट्स से काफी सारे हमारे कंपनी के, और हमारी कंपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है क्लाइंट्स के लिए। वीडियो की शुरुआत में वीडियो का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इन दिस वीडियो वी विल सी द लेटेस्ट न्यूज ऑफ आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, वी विल सी द रिटर्न्स परसेंटेज ऑफ द स्टॉक, वी विल सी द म्यूचुअल फंड डेटा फॉर सितंबर मंथ, लेवल्स और एसएमए लेवल्स देखेंगे, प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा देखेंगे, साथ ही में चार्ट पैटर्न भी देखेंगे स्टॉक का। Q&A सेशन का आपको आप सभी को फिर से एक बार रिमाइंडर देना चाहूंगा, आने वाले संडे यानी 31 अक्टूबर को दोपहर को 3 बजे फिर से हम एक बार यूट्यूब लाइव में जुड़ेंगे, जहाँ पे 45 मिनट्स के ड्यूरेशन में जितने भी आपके क्वेश्चंस है आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके। जितनी जल्दी हो सके हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, अगर किसी का क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपने क्वेश्चंस को रख दीजिए, जितनी जल्दी हो सके हर एक क्वेश्चंस को रिप्लाई मिल जाएंगे। एवरी संडे ये Q&A सेशन हम कंडक्ट करते हैं दोपहर को 3 से 4:45 के बीच में, जितना हो सके इस Q&A सेशन में ज्वाइंट होइए और अपने पोर्टफोलियो को और भी प्रॉफिटेबल बनाइए। एडवाइजरी स्कीम के बारे में सभी को बताना चाहूंगा, यहाँ पे रिसेंटली जो हमने स्पेशली लॉन्च किए फॉर एक्सटर्नल क्लाइंट्स, 30 डेज 90 डेज दो तरीके के मॉडल्स है, दोनों ही मॉडल्स में पूरे महीने में 15 से 20 कॉल ऐसे दिए जाएंगे जो आप इंट्राडे बेस, डिलीवरी बेस, साथ ही में एफएनओ बेस काम कर पाएंगे। अगर आप इंट्राडे बेसिस पे काम कर रहे हैं तो एज पर ट्रेडिंग लिमिट काम कीजिए कैश इक्विटी सेगमेंट में, ताकि अगर डिलीवरी पोजीशन को होल्ड करना पड़े या फिर पीटीएसटी करना पड़े पोजीशन को तो आप होल्ड कर पाए। अगर आप एफएनओ सेगमेंट में काम कर रहे हैं इंट्राडे बेसिस पे तो एंट्री एग्जिट लेवल एक्यूरेट रखिए, जितना एक्यूरेट रखेंगे उतना ही रिजल्ट कंसिस्टेंट होगा। और साथ ही में अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर है 5 से 6 लॉट में काम कर रहे हैं तो एज पर टारगेट्स के पहले थोड़ा एग्जिट हो जाइए ताकि पोजीशंस आपकी स्टक ना हो, पोजीशंस को लाइटन रखिए। डिफेंसिव प्लेयर है पर कॉल पे 1 या 2 लॉट में काम करे तो एज पर टारगेट्स को एग्जिट कीजिए, जितनी जल्दी हो सके स्कीम का फायदा लीजिए और अपने पोर्टफोलियो को प्रॉफिटेबल बनाइए। तो सबसे पहले चार्ट पैटर्न देखेंगे आज के वीडियो में, क्योंकि गैप अप ओपनिंग हमें यहाँ पे देखने मिला है आज के दिन पे आईसीआईसी बैंक में। परसों का अगर फ्राइडे का क्लोजिंग देखे तो 760 के आसपास था और आज हमने ओपनिंग देखा सीधा 800 के आसपास ओपनिंग हुआ था और सीधा गया ओपनिंग में करीबन पहले 10 मिनट में 820 तक स्टॉक गया, फिर रिट्रैक्शन हुआ, फिर ऊपर की तरफ स्टॉक वापस थोड़ा भागा और फिर करीबन 840-850 के आसपास हाई मार के एक बार फिर से रिट्रैक्ट हुआ। चार्ट पैटर्न में क्लियर आप देख रहे हैं वापस 830 तक आया और 830 से जो रैली की शुरुआत हुई थी वो 867 तक गया ये स्टॉक और वहां से ये नीचे की तरफ फिर से एक बार करीबन कह सकते हैं 840 के आसपास से क्लोजिंग दिया है। एक महीने का चार्ट पैटर्न देख ले तो एक महीने पहले जो इसका बॉटम था वो 687 के आसपास था, यानी 670 और 690 के बीच में काफी सारा हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं और वही फेज हमने देखा था एक महीने पहले। और अगर 3 महीने का चार्ट पैटर्न देख ले तो 3 महीनों का बॉटम इसका 670 का था और हाईएस्ट पॉइंट आज हम देख रहे हैं 867 का है। चलिए अब इनकम पे नजर डालते हैं। आईसीआईसी बैंक ने सबसे पहले इंटरेस्ट कितना अर्न किया इन दिस क्वार्टर टू इनकम, तो सबसे पहले पिछले साल की अगर क्वार्टर की बात करें क्वार्टर टू की, तो पिछले साल इंटरेस्ट अर्न किया था 14,037 करोड़ के आसपास और इस बार अगर हम देखें तो इंटरेस्ट अर्न किया है 15,738 करोड़ के आसपास, तो 14,037 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 15,738 करोड़, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे कह सकते हैं 1,700 करोड़ के आसपास का यहाँ पे ग्रोथ हुआ इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन बेस्ड ऑफ क्वार्टर ऑन बेस्ड ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखें तो जून क्वार्टर में इंटरेस्ट अर्न किया था 14,984 करोड़
और इस बार अर्न किया है 15,738 करोड़ के आसपास। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी अगर हम देखें तो 700 करोड़ का ग्रोथ है, और अगर क्वार्टर ऑन ईयर देखें तो 1700 करोड़ का ग्रोथ हुआ इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट अर्न। साथ ही में अदर इनकम्स देखें तो अदर इनकम्स में भी आपको ग्रोथ दिख रहा है, और साथ ही में कह सकते हैं इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट में भी ग्रोथ दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सभी जो जितने भी टाइप्स है इनकम के, वो सभी में यहाँ पे ग्रोथ देखा गया इन टर्म्स ऑफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड इन टर्म्स ऑफ ईयर ऑन ईयर। एक्सपेंडिचर अगर हम देखें तो एक्सपेंडिचर को अच्छे खासे कंट्रोल किया गया है, इंटरेस्ट एक्सपेंसिस कहिए, फिर एम्प्लॉय कॉस्ट, अदर एक्सपेंसिस कहिए, डेप्रिसिएशन कहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रोविजंस एंड कह सकते हैं एक्सेप्शनल आइटम्स, ये सभी चीजों को यहाँ पे एज कम्पेयर टू ईयर ऑन ईयर बेसिस, एज कम्पेयर टू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अच्छे से यहाँ पे कंट्रोल में रखा गया है। अब हम आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले साल का क्वार्टर टू का प्रॉफिट देखे तो 5265 करोड़ के आसपास था, इस बार प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है 7201 करोड़ के आसपास। अगर हम कह सकते हैं यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो इस साल का क्वार्टर वन का प्रॉफिट था 6040 करोड़ के आसपास, जबकि इस बार का क्वार्टर टू का प्रॉफिट है 7200 करोड़। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे टोटल प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ा है। नेट प्रॉफिट भी देखिए तो पिछले साल क्वार्टर टू में नेट प्रॉफिट था 4251 करोड़ का, और इस बार अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट जो आया है 4616 करोड़ क्वार्टर वन में, क्वार्टर टू में 5510 करोड़। तो ओवरऑल अगर देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस, अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस नेट प्रॉफिट भी अच्छे से ग्रो हुआ है। ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर रेशियो, पिछले साल क्वार्टर टू में अर्निंग्स पर रेशियो था 6.35, इस बार अर्निंग्स पर रेशियो है क्वार्टर टू का 7.95, यानी ऑलमोस्ट 1.65 रुपीज का गैप अप हुआ है, ग्रोथ हुआ है यहाँ पे अर्निंग्स पर शेयर रेशियो का। क्वार्टर वन से क्वार्टर टू को कंपेयर करें तो क्वार्टर वन में जो अर्निंग्स पर रेशियो था 6.67 था, और इस बार आया है 7.95। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, साथ ही में ईयर ऑन ईयर बेसिस भी ईपीएस भी अच्छे से ग्रो हुआ है। आज अगर हम देख ले तो करीबन 12 बजे तक ही 7 करोड़ का ट्रेडिंग वॉल्यूम हो गया था, जबकि अगर पूरे एक महीने का एवरेज हम देख रहे हैं तो 1 करोड़ का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, जिसमें से 70 लाख की डिलीवरी क्वांटिटी देखी गई है। कल के दिन पे आज ही सुबह मार्केट आवर्स में एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने अपना एक नियर टर्म टारगेट सेट किया है आईसीआईसी बैंक का, वो है 885। दिस इज प्योरली फॉर ट्रेडिंग बेसिस, यानी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जिसको करना है वो आईसीआईसी बैंक में कर सकता है विद अ टारगेट ऑफ 885। यहाँ पे ग्लोबल ब्रोकरेजेस रेज टारगेट प्राइस ऑन आईसीआईसी बैंक पोस्ट Q2 रिजल्ट, सीज अप टू 40% अपसाइड। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म्स सच एज कालसा, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, HSBC एंड क्रेडिट सुसी maintain their ratings and but raise their respective 12-month target on ICICI Bank post Q2 results according to the data collated by Zee Business TV. तो ओवरऑल अगर देखिए जितने भी दिग्गज यहाँ पे कह सकते हैं रेटिंग एजेंसीज है, उन्होंने इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो रेटिंग है वो रिवाइज नहीं किया है, मेंटेन रखा है, लेकिन जो टारगेट्स है उसको रिवाइज किया, उसको और भी अपसाइड लेके गए, करीबन 40% अपसाइड अभी भी ये स्टॉक में दिख रहा है आपको। 40% अपसाइड यानी करीबन कह सकते हैं ये स्टॉक 1100 और 1200 के बीच में आराम से जाते हुए दिख रहा है फ्रॉम द करंट प्राइस वैल्यू। 12 बजे तक का प्राइसिंग देखे तो 855 का था। म्यूचुअल फंड डेटा देखे सितंबर मंथ का तो 109 म्यूचुअल फंड कंपनी ने बाय किया है, 94 म्यूचुअल फंड कंपनी ने सेल किया है, और डिफरेंस आया करीबन 7 करोड़ 13 लाख शेयर्स के आसपास। तो करीबन 7 करोड़ 13 लाख शेयर इन एंड आउट में बिटवीन 109 म्यूचुअल फंड कंपनी बाइंग, 94 म्यूचुअल फंड कंपनी सेलिंग। एक हफ्ते में 17.5% का रिटर्न, एक महीने में 22% का रिटर्न, 3 महीने में 30% का रिटर्न, 6 महीने में 47, 1 साल में 160, 3 साल में 161, 5 साल में 238% का रिटर्न और 10 साल में 440% का रिटर्न। बैंक निफ्टी में कोई बहुत कह सकते हैं रेयर सिनेरियो है कि ऐसा कोई आपको रिटर्न्स परसेंटेज का चार्ट देखने मिले जो सभी ड्यूरेशन में सभी इस पर्टिकुलर कोई भी एक स्टॉक ने हर एक अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा पॉजिटिव रिटर्न दिया है। आरएसआई लेवल अगर हम देख ले तो 70.1 है इस समय, एमएफआई 81.5, यानी एमएफआई ओवरबॉट हो चुका है लेकिन आरएसआई अभी भी ओवरबॉट नहीं हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है ट्रेडर्स के लिए। यहाँ पे 30 डेज एमए 717, 50 डेज एमए 712, इस समय तो ये एसएमए लेवल से काफी स्टॉक ऊपर आ चुका है। तो ओवरऑल अगर देखे तो अभी भी ट्रेडिंग बनता है स्टॉक में, अभी भी इन्वेस्टमेंट का राय बन रहा है,
बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी अपनाना है तो बाय ऑन डिप का स्ट्रैटेजी अपनाइए, लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट व्यू है तो मैं कहूंगा करंट मार्केट प्राइस पे बाय कीजिए, बाय ऑन डिप का स्ट्रैटेजी मत अपनाइए। लेकिन अगर आप ट्रेडर है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, शॉर्ट टर्म कह सकते हैं मीडियम टर्म के लिए आपको होल्ड करना है स्टॉक को, तो बाय ऑन डिप का स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। वर्स्ट कम वर्स्ट जो बॉटम स्टॉक का दिख रहा हुआ है करीबन 810 से नीचे मुझे ये स्टॉक अब जाते हुए नहीं दिख रहा है फिलहाल, तो कह सकते हैं इस हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में शायद एक्सपायरी के बाद हम देख सकते हैं, लेकिन इस हफ्ते में 810 के नीचे ये स्टॉक मुझे जाते हुए नहीं दिख रहा है। ओवरऑल अगर देखें तो आईसीआईसी बैंक का कह सकते हैं ग्रोथ काफी अच्छा है और इसको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कीजिए। बाय ऑन डिप्स ट्रेडिंग जो भी लेवल्स आपके बनते हैं वो आप पर एज पर योर ऑब्जेक्टिव आप स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए या फिर ट्रेड कीजिए। आपके स्क्रीन पे आपको मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी, मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्लैश हो रहा है, साथ ही मेरे वेबसाइट का नाम फ्लैश हो रहा है। अगर आपको इक्विटी में, कमोडिटीज में, करेंसी में, किसी भी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेनिंग लेना है या फिर ट्रेडिंग करना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही में एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के लोगों के कंसल्टेशन कोचिंग की जरूरत है, वेबसाइट पे लॉगिन कीजिए, कंसल्टेशन कोचिंग बुक कीजिए, एग्जैक्टली आपको आपके हर एक प्रॉब्लम का उस कंसल्टेशन कोचिंग में सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।